दर्शन साहू मूर्ति कला। वर्षों के कार्यों को देखते हुए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान। धीरे धीरे मैंने छोटा छोटा नरम पत्थर में थोड़ा मंदिर वगैरह का बनाना शुरू किया। मैं एक तीर मारूंगा जो सब कौरव पांडव जितना है सबका सबका सिर में सिंदूर लगाते हुआ आएगा। तो तीर छोड़ दिया तो द्रोणाचार्य से लेके जितना भी थे सबका सिर में सिंदूर लग गया। कालक्रम ब्रिटिश आया, मुस्लिम राज्यों के समय में भी कलाकारी एकदम पूरा बंद हो गया था। भास्कर के जगह है उज्जैन के पास में, तो उधर एक जैन मूर्ति बनाया जो कि 12-13 साल लगा, 20 से 25 आदमी काम कर। नमस्कार, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हम देश दुनिया के अलग अलग पद्मश्री को आपके साथ एक कड़ी के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में जोड़ रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों के भिन्न भिन्न मिट्टी से और अलग अलग सरहदों से कई लोग, कई कलाकार और कई सारे समाज से भी हमसे पद्मश्री के जरिए जुड़ रहे हैं। लेकिन आज की इस विशेष श्रृंखला में आज हम पद्मश्री से नहीं बल्कि पद्म विभूषण से मिल रहे हैं, जिन्हें हाल ही 2021 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है। भारत सरकार ने इनके कार्यों को देखते हुए, पिछले 80 वर्षों के कार्यों को देखते हुए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र के लिए समर्पण और खास तौर से मूर्तियों के लिए विशेष तौर से इनका लगाव जग जाहिर है। आज पौराणिक कहते हैं कि पौराणिक कथाओं में और दंत कथाओं में जितने भी चरित्र हैं उन चरित्रों को अगर किसी ने सजीव बनाया है तो वह है डॉक्टर सुदर्शन साहू सर, जिन्होंने अपने पिछले कई वर्षों के अवदान में मूर्तियों में एक तरह से जान फूंक दी। आज हमारे देश में जाने कितनी पौराणिक कथाएं बिखरी पड़ी हैं, उन कथाओं के जीवंत किरदारों को इन्होंने अपने पत्थरों में तराशा है और इतनी गहराई और इतनी शिद्दत से तराशा है कि आप बोल उठें। तो आइए जानते हैं मूर्तिकार से, इस शिल्पकार से, कि उन्होंने किस शिद्दत से इस शिल्पता को उभारा है और देश दुनिया में हजारों करोड़ों लोगों तक अपनी इस कला को पहुँचाया है। आज की बातचीत में सर, बातचीत की श्रृंखला हम शुरू करें तो पहले मैं बताती चलूं कि पिछले कई महीनों से हम पद्मश्री को जोड़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत विशेष अवसर है हमारे लिए कि आज हम आपसे जुड़ रहे हैं और हम दर्शकों के लिए लगातार किताब के जरिए भी, पुस्तकों के जरिए भी पद्मश्री को तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन आज आप चूँकि विशेष रूप से हमसे जुड़े हैं, एक श्रृंखला से अलग श्रृंखला अपने हम बातचीत कर रहे हैं और एक पद्म विभूषण जी से बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने शिल्प के जरिए और मूर्ति के जरिए एक इतिहास रचा है। सर, शुरुआत कैसे हुई शिल्प? जय जगन्नाथ। हम उड़ीसा का जगन्नाथपुरी में रहने वाला, मेरे जन्म भी उधर हुआ है। तो बचपन से पिताजी माताजी के साथ जगन्नाथ मंदिर जाना आना तो सबका होता है। जब हम जाते हैं मंदिर के अंदर में हर देव देवता का पास में माताजी लेके यहाँ नमन करो, वहाँ नमन करो, नमन करो, बाद में जगन्नाथ जी को दर्शन होते। धीरे धीरे जाते जाते मेरा उम्र जितने बढ़ते जाता है तो मैं कुछ पूछ रहा था, ये किस चीज में बना है, क्या बना है, सब मेरे पिताजी माताजी मेरे बड़े भाई मेरे को समझाते थे। तो स्कूल में पढ़ाई के बाद में थोड़ा ज्ञान आया कि ये मूर्तिकला हमारा जो पुराने राजा महाराजाओं ने जगन्नाथ मंदिर बनाने के समय में ये मूर्तिकला स्थापित किया है, जिसमें हमारा जीवन का जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ उसका अंदर में संभाल के रखा है। जो आदमी उसको पढ़ाई करेगा तो सब कुछ उसको मालूम हो जाएगा, जीवन क्या है, हम कैसे जीवन को बिताएं, धर्म क्या है, हम लोग को क्या करना चाहिए। तो उसी से हमें कुछ मिला है जो कि हम बचपन से हमारा मोहल्ला जो है उसी मोहल्ला में तो कारीगर लोग पत्थर मूर्तियां बनाते थे, तो उनका जो बच्चों हैं मेरे दोस्त हैं वो लोग भी मेरे साथ पढ़ाई करता था। शाम को वापस आने में उनका घर का पास में बरंडा में बैठ जाता था, छोटा छोटा घर है, तो हाथ में छोटा छोटा नरम पत्थर में मूर्तियां बनाते थे। तो हम भी इंस्ट्रूमेंट उठा के छोटा छोटा जो कट जाने वाले पत्थर उनको थोड़ा सुधारता था।
तो वो लोग देखा तो बोला अरे आपके हाथ में तो काम होगा। मैं बोला ठीक है। तो धीरे धीरे मैंने छोटा छोटा नरम पत्थर में थोड़ा मंदिर वगैरह का बनाना शुरू किया। उससे पढ़ाई भी जाना पड़ता था, तो उसी पहले से मेरा पिताजी का देहांत हो गया था। मैं बहुत छोटा उम्र था, मैं 10 साल का था। तो मैंने मूर्तिकला में मेरा रुचि बढ़ते जाता था। मैं कुछ ड्राइंग वगैरह भी करता था, हमारा पढ़ाई किताब में करता था, तो मास्टर जी बहुत गुस्सा होते थे। तो धीरे धीरे दीवार में भी उसका ड्राइंग करने लगा, क्ले में मट्टी में भी कुछ करने लगा। एक हमारा पुनिया महाराणा और भुवनेश्वर महापात्र जो है मेरे 12 साल में उन्होंने मिला मेरे को, तो उन्होंने बोला हम आपको काम सिखाएंगे। तो उन्होंने घर में थोड़ा उनका ठीक नहीं था, तो हमारा जो घर है उनसे बगल में एक केला का बगान था, उसमें छोटा सा घर बना करके उसी में उनको रखा। तो मैंने काम सीखा, तो उन्होंने गुरुजी को इतना तो ज़्यादा काम नहीं मालूम था, तो भी मंदिर छोटा छोटा मूर्तियाँ बना के मार्केट में वो बिक्री करते थे। तो हम उन्हें सहायता का साथ साथ हमारा हाथ जब ठीक हो गया थोड़ा बहुत, तो वो मूर्ति देता था, शाम को मार्केट में बिक्री करके उनको देता था, तो सारे पैसे वो ले जाते थे। तो थोड़ा दिन के बाद हमारा परिवार में मेरे माता जी भी बहुत तकलीफ से हमें चलाता था, संघर्ष से चलता था, क्योंकि हमारा जमीन जायदाद सब चला गया था। पिताजी भी उसी चिंता में मर गया था। तो हमें चिंता हुआ कि हमारा परिवार कैसे चलेंगे। तो मैं गुरुजी से बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा काम करके मेरे परिवार के लिए कुछ देना है। तो उन्होंने सुना, शायद दुख होगा, तो उन्होंने थोड़ा धीरे धीरे हमसे अलग होने लगा। तो मैं और नवगन साहू करके मेरा दोस्त और दूसरा 4-5 आदमी काम करते थे मार्केट में, लेके छोटा छोटा मूर्ति बिक्री करके दसाना मिलता था, एक रोटी चाराना मिलता था, उसी में भी परिवार चलता था। तो उसी में मैं ये काम में धीरे 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 आगे बढ़ा। तो वो जो कारीगर संस्था है, मैं तो कारीगर परिवार का नहीं होना, उन्होंने बहुत गुस्सा हुआ, तो ये लोग काम करेंगे तो हमारा जी जो काम बंद हो जाएगा, ये लोग सस्ता में देगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उनको रुका है कारीगर लोग, तो रुक दिया। तो हम भी धीरे धीरे उससे देखा, जब हम महाभारत रामायण भी पढ़ा था, महाभारत में जब एकलव्य जब आया गुरुकुल में, द्रोणाचार्य को बोला मैं यहाँ पढ़ाई करूंगा ना राज दरबार में, राजा लोग के साथ, राजा का बच्चों से तुम सबर जात हो तो आप नहीं पढ़ सकता। उन्होंने वो दुखी से चला गया, द्रोणाचार्य का मूर्ति मट्टी में बनाया, उसको देख के जो धनुर्विद्या सिखा है वो कौरव पांडव किसी के पास नहीं था। तो उन्होंने द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा देने के लिए आया, मैं आपका मूर्ति बना के दिखा। तो गुरुजी बोला एक तीर संधान करो, तो कैसे आप करता ना, मैं एक तीर मारूंगा जो सब कौरव पांडव जितना है सबका नष्ट हो जाएगा। तो मैं अभी तो मारूंगा नहीं, मैं एक तीर लगा ताकि सबका सिर में सिंदूर लगा के वो आएगा। तो तीर छोड़ दिया, तो द्रोणाचार्य से लेके जितना भी थे सबका सिर में सिंदूर लग गया। तो द्रोण ने आश्चर्य हो गया, तो देखा मेरा जो शिक्षा है वो तो बहुत पीछे पड़ गया। तो मैं राजा का दरबार में हूँ, मेरा इतना नाम है। तो उन्होंने बोला जब गुरुगत दक्षिणा देना है, शॉर्टकट में बोल देता हूँ, गुरु दक्षिणा देना, तुम्हारा जो दाहिने हाथ का वृद्धा अंगूठी को मेरे को काट के दे। उनका था कि ये ले जाने से वो तीर का संधान नहीं कर सके। तो उन्होंने समझ गया कि गुरु जी मेरे को एक अभिशाप की माफी दिया, ठीक है मैं तो दक्षिणा देने का था, तो उन्होंने हाथ काटा दे दिया, परंतु उनका विद्या नहीं गया, वो पांव में भी तीर चला सकते थे। तो ये कहानी है, तो उसी को लेकर के मैंने अपना से काम को आगे किया। कहते हैं रचनात्मकता जीवन को अनुप्राणित करती है, हमें भीतर से कलाकार बने रहना चाहिए। आज 82 ईयर्स के सुदर्शन साहू जी को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये समूचे राष्ट्र को एक संदेश दे रहे हैं कि हम अपने भीतर की रचनात्मकता और कलात्मकता को अगर जीवित रखें, चुस्त भी रह सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं और मानसिक रूप से उर्वरा भी बने रह सकते हैं। पूरी की धरती एक धार्मिक स्थल है,
धर्म से जुड़ी हुई जमीन है, जिस जमीन पे ये पले हैं बढ़े हैं और जगन्नाथ जी के प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में इनका पालन पोषण हुआ है, वहीं से इन्होंने धर्म की भी यात्रा शुरू की और अपनी शिल्प कला की भी यात्रा शुरू की। संभवतः देश में कुछ एक ऐसे मूर्तिकार और शिल्पकार बचे हैं जो शायद इनके समकक्ष खड़े हों, मैं तो कहूँगी शायद कोई भी ऐसा नहीं शिल्पकार जो पौराणिक कथाओं को, पौराणिक किरदारों को मूर्तियों में अनुप्राणित करता हो। आज हम बातचीत कर रहे हैं सुदर्शन सिंह जी से, देश के बहुत बड़े शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं और बहुत लंबे साल से, बहुत वर्षों से अपने जीवन के अपने बहुमूल्य क्षणों को मूर्ति कला में लगा रहे हैं। सर, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि हम जीवन कैसे पड़ा हुए हैं जहाँ तकनीकी हमें चारों तरफ से तकनीकी ने हमें बहुत ज़्यादा संकोच किया है, हम टेक्नोलॉजी के बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन क्या ऐसे समय में इस तरह के शिल्प को बनाए रखना, बचाए रखना, संरक्षित रखना कैसे संभव हो पा रहा है, चूँकि नई युवा पीढ़ी से जुड़ नहीं पा रही, तो कैसे जोड़ा जाए? कला अमर है, उद्यम हमारा होना चाहिए। पहले राजा महाराजाओं ने उनको संभाल के शिल्प कला को रखा था। उस समय में मंदिर बनता था, बहुत चीज बनता था, राजा लोग का घर भी बनता था, राजवाटी भी बनता था, तो उसी में कुछ कारीगरी को वो लगाते थे, पत्थर भी तो बनता था, तो वो कारीगरी राजा लोग जाने के बाद वो एक दर्शनीय वस्तु हो गई। सरकार उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो कालक्रम ब्रिटिश आया, मुस्लिम राजत्व के समय में भी कलाकारी एकदम पूरा बंद हो गया था। ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा उनको को संरक्षण किया, भारत स्वाधीन हुआ तो धीरे धीरे अभी देखिए कारीगर जो है वो जो जो मंदिर बनाया था अनोखी मंदिर अभी बनता नहीं है, क्योंकि इनका जो कला का साधन है बिना प्रहसन में किसका सहायता बिना बनना बहुत मुसीबत है, क्योंकि ये लता के लिए एक पेड़ चाहिए जिसमें वो घूम के ऊपर जाके फूल पत्ता दे सकते हैं। तो अभी सरकार शायद जागरूक होंगे, कलाकार को सम्मानित किया, हम लोग भी देश विदेश में जाके काम किया, भारत में ज़्यादा काम मिलता था, हम लोग भी विदेश जाना नहीं पड़ता, अभी कच्चा माल जो पत्थर वगैरह है जो चीज वो मिलना बहुत मुसीबत हो जाता है, तो धीरे धीरे कारीगरी नीचे गिर रहा है। और सब पिताजी माताजी सोचते मेरा बेटा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, स्पेस का जाके पढ़ाई करेगा, तो इसीलिए इसी में मन देने के लिए बहुत कम आदमी है। हमारा एक निवेदन है, आप जो भी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, उनका परिवार उनको प्रोत्साहित करे, कुछ कलाकारी को सीखना चाहिए, उनका भविष्य में ये बहुत सारे काम में आएगा, उनका पाठ्यक्रम में भी आएगा और देश का गौरव भी बढ़ेगा और इसी में कलाकारी भी जीवित रहेगा। आप बातचीत कर रहे हैं सुदर्शन साहू जी से, मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, देश का बहुत बड़ा नाम है, पद्म विभूषण से सम्मानित भी हैं और मेरे ख्याल से 1988 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा भी गया है, काफ़ी साल पहले उनके योगदान को देखते हुए। देश भर में आप कहीं भी चले जाएं और अगर जीवंत मूर्तियाँ और बोलती हुई मूर्तियाँ देख जाएँ तो ज़रूर ये फर्ज करें कि उनके सुदर्शन सर की उंगलियों का कमाल है और जादू है। सर, हाल के कुछ योगदान के बारे में बताएं जो आपने कुछ मूर्तियाँ गढ़ी हुई तो खास करके तो हमारा गुरुकुल आश्रम में 100-100 बच्चा रहता है, पुरी में है, भुवनेश्वर में है, मेरे दोनों बेटा का सहायता और मेरे परिवार का पूरा सहायता से, तो ये कला आगे करने के लिए हमारा कोशिश जारी है गुरुकुल में। बच्चों वहाँ आते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ ही रहते हैं, वहाँ काम सीखते हैं, सीखने के बाद जाते हैं। परंतु एक बात है, हम जो काम किया है कहीं कहीं, तो एक काम तो वर्धा में हम लोग वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक 35 फीट ऊंचा का तोरण से सरस्वती मूर्ति और एक देवास्कर के जगह है उज्जैन के पास में, तो उधर एक जैन मूर्ति बनाया जो कि 12-13 साल लगा, 20-25 आदमी काम करके उनको उधर लगाया। इतना बड़ा काम मोनोलिथ में हो सकता है, वो पत्थर लाके करना असंभव काम था, उसमें बहुत सीखने को भी हम लोग को मिला, वो मूर्ति भी बन गया, हम उधर भी लगाया। ऐसा तो
लक्ष्मी नारायण मित्तल लंदन में उनका घर है, जो उसकी का बहुत बादशाह है, उनका घर में मैं मेरा पृष्ठ किया। अयोध्या में बन रहे मंदिर में भी कुछ योगदान? अयोध्या का मूर्ति तो मेरा बनता नहीं है, कुछ बना नहीं अभी तक मैं अयोध्या के लिए, शायद आगे कुछ ऑर्डर मिलेगा, काम मिलेगा तो बन सकता है हमारे हाथ में। बिल्कुल, हम ये अपेक्षा करते हैं कि सुदर्शन सर की हाथों की उंगलियों की जो कारीगरी है, कुशलता है, वो हमारे श्री राम के मंदिर में भी दिखे, हम ये अपेक्षा करते हैं। और संभवतः समूचे देश में तो हम इनकी कारीगरी देख ही रहे हैं, शिल्प कला को हम तरह जिस तरह से उन्होंने शिल्प कला को तराशा है, आगे बढ़ाया है। और पौराणिक कथाओं को, पौराणिक कथाएं में जितने भी किरदार हैं उन किरदारों को इन्होंने अपनी मूर्तियों में सजाया है। बहुत अद्भुत कला है और मैं बहुत अभिभूत हूँ कि इन्होंने हमारे देश की एक बिखरी हुई संपदा को सहेजा है और कितने सालों से इसको संरक्षित कर रहे हैं। सर, मैंने सुना है आपने स्थानीय सरकार के साथ मिलकर एक म्यूजियम भी बनाया है अपने यहाँ पुरी में, क्या है कुछ बताएंगे उसके बारे में? पुरी में तो म्यूजियम मेरा परिवार मिलके हम लोग एक जमीन खरीद करके उसमें कला कृति होता था। धीरे धीरे भुवनेश्वर में हम आना चाहा क्योंकि राजधानी है, उधर करेंगे तो बहुत हमें कला का कला प्रेमी मिलेंगे। वो भी अभी भी बन गया है, उड़ीसा सरकार में जमीन उधर दिया है, पैसा लेके कुछ कम पैसा में दिया है, तो उन्हीं में हम लोग को कारीगरी भी बनता है और कला का रिसर्च भी होता है, कला के बारे में पाठ्यक्रम भी होता है। कला एक अद्भुत चीज है जो मानसिक स्तर से हर आदमी को एक शांत और अच्छा जीवन बिताने का एक मौका देता है। देखने वाले भूल जाते, उनका घर में खाना नहीं है, उनको कोई असुविधा है, वो कला देखने के समय वो भूल जाता है। तो मानसिक तौर पर कला एक अद्भुत चीज है। तो ये भारतवर्ष में बहुत जगह में प्राचीन जो मंदिर है उनको खाली मंदिर के हिसाब से नहीं बनाया गया, वो एक अद्भुत कलाकृति है जिसको देखने में मन विभोर हो जाता है, उनका सुगंध सारा दुनिया में चला जाता है। तो इसीलिए कलाकृति हमारा जो संपद है भारत का, ये इसी में कुछ रस और छंद और जीवन का सृजनशीलता और नम्रता विनयता सब वो सिखाता है, तो वो होना चाहिए। जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं सुदर्शन साहू जी से, इन्होंने बताया कि किस तरह कला हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है, ये हमारी संपदा है, ये हमारी खाती है और प्रत्येक मनुष्य को कला के संरक्षण के प्रति अपना योगदान देना चाहिए। उड़ीसा एक देवभूमि रही है और न सिर्फ देवभूमि बल्कि अनेक कलाओं का एक संगम स्थल भी है। उसी उड़ीसा से सुदर्शन जी आते हैं और अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं लगातार। सर, हमने आपकी कला पे बात की, आपकी नृत्य शिल्प पे बात की, आप अपने प्रशिक्षण के बारे में बताएं। मैंने सुना है विदेशों में जाकर ट्रेनिंग्स लेते हैं शिल्प के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, वहाँ किस तरह के छात्र आपसे लाभान्वित हो रहे हैं? हम लोग तो अपना रोजी रोटी के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो वहाँ जब कुछ साधन नहीं होता, थोड़ा कमी हो जाता तो विदेश जाना पड़ता है। उधर तो कोई कोई हमारा काम के समय आके बैठता है, देखता है, कोशिश करता है कि हम एक काम सीखे, परंतु हम तो थोड़ा समय के लिए जाना होता है। ये तो काम सीखने के लिए कम से कम 6 से 10 साल चाहिए कारीगरी सीखने के लिए। विदेश में ये कलाकृति का आदर भी बहुत है। मैं बुद्ध मूर्ति का जातका, जो भगवान बुद्ध का जातका बनाने के लिए मैं लंदन भी गया, जापान भी गया, ऐसे देश विदेश में बहुत जगह गया, परंतु अभी भारतवर्ष में भी बहुत स्थान में बुद्ध जातका स्टोरी जो हमारा भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है, जो पंचशिला नीति अभी भारतवर्ष का एक अंग है, वही भगवान बुद्ध का एक मंदिर इंद्रप्रस्थ पार्क में अभी बन गया है, वो डीडीए के तरफ से भारत सरकार से जमीन भी मिला है, अभी उनका देखभाल डीडीए कर रहे हैं। कहाँ पे ये बनी? तो ये काले खान करके जगह है, इंद्रप्रस्थ के पार्क के पार्क उसको बोला जाता है, तो वही पार्क में बुद्ध मंदिर बना है। अभी अक्टूबर 23 को उनको उनका एक पीस म्यूजियम उनके साथ में होता है कि वो पीस म्यूजियम अर्थ है भगवान बुद्ध का जो अस्थि है कैसे भारतवर्ष से खुजी गुरु जी लेके सारा दुनिया में भगवान बुद्ध का जो आदर्श नीति उनको प्रचार किया है, वो मंदिर
भारत में भी बहुत जगह में हुआ है, दिल्ली में होने का था, वो मंदिर अभी हो गया। तो इसी को आप जाके देखिए, उधर सन्यासिनी भी रहता है, तो आप कुछ उसमें कारीगरी भी मिलेगा, देखने को अच्छा लगेगा। कला कैसे शीर्ष तक पहुंचाती है और कला के जरिए हम कैसे सर्वोत्कृष्ट प्राप्त कर सकते हैं, उसके जीवन प्रमाण है सुदर्शन साहू जी। देश विदेश की अनेकों यात्राएं इन्होंने की है, अनेकों मूर्तियां गढ़ी है और शिल्प भी, शिल्प तो लाजवाब है, उसके बारे में चर्चा लगातार बातचीत कर रहे हैं सुदर्शन सर से और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर, आपकी मूर्तियाँ किस किस तरह की होती है, क्या क्या खास किरदार है? हमारा ज्यादा सरकर्ता बुद्ध मूर्ति के अंदर में, तो बुद्ध क्या थे उसी को हम लोग बहुत अच्छा से और नम्रता से, विनयता, उनके पास कैसे ना करुणा था, वही निखारने के लिए कोशिश अभी भी जारी है। पूरा हुआ कि नहीं वो तो देखने वाले बताएंगे। और दूसरा दूसरा मूर्ति में जब शिव जी बनाते तो शिव जी का चेहरा कैसा होना चाहिए, उनको भी हम लोग कोशिश जारी है। नारायण मूर्ति कैसे होगा, गोपियों का मूर्ति कैसे होगा, तो ये अलग अलग मूर्ति, एक शिल्पी हजारों किस्म का मूर्ति बना सकते हैं। तो अभी तो संघर्ष जारी है, आगे जो नौजवान आएंगे ये तो और कुछ अच्छा भी करेंगे। और तरीका सर क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता। तरीका तो आप सीधे पत्थर को तराशते हैं या उसमें पहले आप कुछ अभी पौराणिक भी तो बनता है, हमारा काम तो पौराणिक है, परंतु आजकल आधुनिक का भी कुछ कुछ काम हो रहा है, तो वो भी जो ऑर्डर देने वाले जो देते हैं उनमें हमारा जो बनने का चीज बनता है उनमें थोड़ा पौराणिक भी मिला करके हम बनाता, इसीलिए वो अच्छा होता है। तो अभी शिक्षार्थी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, आगे जो होगा वो मूर्ति कला का और स्थापत्य कला का, उसमें म्यूरल वगैरह भी आजकल घर वगैरह में लगता है, तो वो भी चालू है, वो कारीगरी को हम लोग आगे बढ़ाता है। क्या आप जीवित व्यक्तियों की भी कलाकृतियों को उभारते हैं, या पोस्ट ऑफिस किसी को बनवाना हो या किसी किसी जीवित व्यक्ति की मूर्ति को आपने कभी बनाया है, आकार दिया है? देखिए, हम लोग का जो कलाकृति है वो ड्रीम्स है, सपना है, सपनों को साकार करना हमारा काम है। वास्तव चीज को देख के बनाना वो हमारे लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि प्रतिमूर्ति बनाना किसका, ये धार्मिक भावना से अलग होता है। हमारा मूर्ति कला में धार्मिक भावना बहुत 90% होता है, तो इसीलिए हम किसी का प्रतिमूर्ति बनाने में हमें ठीक नहीं लगता और हम कोशिश भी नहीं किया। हम बातचीत कर रहे हैं सुदर्शन साहू जी से, बहुत बड़े शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं और एक बहुत अद्भुत कला को सालों से संरक्षित करने में लगे हुए हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित है, देश का बहुत दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सिविलियन अवार्ड इनको मिला है, इनकी कला के लिए, इनके योगदान के लिए और पिछले 70-80 वर्षों के अभूतपूर्व योगदान के लिए। ये एक ऐसा शिल्प है जिसे बहुत कम लोग आजकल देश में कर रहे हैं, बट बावजूद हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके जरिए, सुदर्शन सर जैसे लोग हैं जिनके जरिए इस तरह की कला संरक्षित हो रही है और देश दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी इनकी कलाएं बहुत सुविख्यात है, लोग आते हैं, समझते हैं, देखते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और इनसे सीखने की कुछ कोशिश करते हैं। उम्मीद है आने वाले वक्त में हमारे युवा, हमारी नई पीढ़ी भी इस शिल्प से जुड़े, इस मूर्ति कला से जुड़े हम उम्मीद करते हैं। और जाहिर है, एक ऐसे बड़े गुरु जिन्होंने शिल्प कला को और मूर्ति कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, संभवतः अभी पीढ़ी इनसे कुछ सीखेगी। सर, चूंकि कार्यक्रम अब समाप्त होने वाला है और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, तो पहले एक सवाल और कि जब आप फ्री होते हैं, जब आप अपने कार्य से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो सुदर्शन सर फ्री वाले समय में क्या खाली वक्त होता है? हम लोग पुराण, शिल्पशास्त्र और शिल्प का जो कारीगरी है उनके बारे में अनुध्यान, अनुसंधान और वो समय में चिंतन होता कि हमें आगे क्या हमारा पीढ़ियों को दे सकता है, इनके बारे में क्या कर सकता है, ये देश का ये कारीगरी कैसे आगे रहेगा, लोग उसको कैसे अपनाएगा, इसके बारे में जरूर
हम सोचते हैं और पढ़ाई भी शास्त्र वगैरह करते हैं। कोई कोई विद्वान लोग को बुला के इनसे भी हमारा बातचीत भी होता है शिल्प कला के बारे में। ये तो जीवन तो ऐसा है कि एक कारीगर उनका जीवन को कुछ महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ये शिल्प कला। तो मूर्ति कला के अतिरिक्त कोई और शौक है? मूर्ति कला से शौक है, पेड़ पौधा तो मेरा बहुत शौक है, फूल तो बहुत शौक है, तो वो भी कुछ समय भी उनमें हम देना पड़ता है। पालना, उनका सुंदरता देखना, चिड़िया को उनका आवाज सुनना, तो इसीलिए एनवायरमेंट को भी थोड़ा अच्छा जागरूक करके रखने के लिए हम, मेरा परिवार सब समय में है। हमारा कड़ा केंद्र में 10-15% हमारा घर होता है, 80-90% तक पेड़ पौधा में भरा रहता है। मूर्ति कला के साथ साथ हरियाली भी बढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधों से लगाव है इनको और पशु पक्षियों से, तो जाहिर है एक कला प्रेमी अनन्य रूप से प्रकृति को समर्पित होता है। तो इनके इनकी शिल्प कला को देखते हुए हमें इस बात का एहसास कर सकते हैं कि इन्हें सिर्फ शिल्प से नहीं, मूर्तियों से नहीं, बल्कि जीवन पेड़ पौधों से भी प्यार है। सर, राष्ट्र के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे या युवा पीढ़ी के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र के नाम में मेरा संदेश है, जो प्राचीन स्थापत्य कला जो भारत का गर्व और गौरव है, सारा पृथ्वी से लोग आके हमारा कोणार्क मंदिर से लेके ताजमहल से लेके स्वामीनारायण मंदिर अभी बन गया, उनसे लेके मीनाक्षी मंदिर, जैन मंदिर, बहुत सारे मंदिर को अनुध्यान करने के लिए आता है, किस आश्चर्य के बारे में हुआ है हो जाते हैं। तो उनको संरक्षण के लिए हम भारत सरकार और जितने उद्योगपति सबको मेरा प्रार्थना है उसको बचा के रखिए, संरक्षित रखिए, और युवा पीढ़ी को मेरा एक, आप नौकरी करो, आईएएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, परंतु कला का आदर रखो। कलाकार को थोड़ा सा एक बूंद जल, हजारों बूंद से एक बूंद जल इनके लिए आप उच्चर करेंगे, एक कला आगे जीवित रहेगा और कारीगर भी आगे बढ़ते जाएंगे। ये कला था, अभी है, आगे रहना चाहिए। बिल्कुल सही। ये थे सुदर्शन साहू जी, मूर्तिकार और शिल्पकार। जाहिर है इनकी बातचीत और हमारी बातचीत से आपको बहुत सारे संदेश मिले होंगे, न केवल युवा पीढ़ी को, संस्थाओं को भी, देश को भी, समाज को। मूर्ति कला एक हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है और हमें इसको संरक्षित करना चाहिए पूरे प्राणपण के साथ, न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आगे आने वाली। हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि सुदर्शन सर जैसे कलाकार लंबी उम्र पाएंगे, और ज़्यादा लंबी उम्र पाएंगे और देश में, और सिर्फ देश में बल्कि लोगों को इस कला को, इस कला की मर्मज्ञता से अवगत कराते हैं क्योंकि ये कला हमारी विरासत है। उनकी कला को हम और आगे बढ़ाते रहें, इनकी इनकी जादुई उंगलियों का जो एक असर है वो दिखता रहे, इनकी जो शिल्प है, इनकी जो मूर्ति कला है वो पुष्पित पल्लवित होती रहे और अपनी सुगन खुशबू बिखेरती रहे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ और इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ, फिर किसी और पद्मश्री के साथ या पद्मभूषण के साथ आपको मिलवाती हूँ। इजाज़त, जय जगन्नाथ, जय भारत माता।